अल्लाह पाक आपके जज्बात को कबूल फरमा ले। बुलंद आवाज से कह दीजिए आमीन। नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, उल्फत नूरी साहब का दिमाग, हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की दूरंदेशी, उलमाए अहले सुन्नत का मुश्तरका तौर पर इनकी तगोदाओ, इनकी मोहब्बतें काविशें रंग लाई, मगर मौलाना मुशाहिद रजा जामी चतुर्वेदी कारी सुहेल साहब गुरहारवी मुबारक हुसैन मुबारक, और सबसे बड़ी बात यह कि उस्तादुश शोरा जनाब फरहत साबरी साहब के साथ क्या किया जाए। आप हजरात अगर चाहें तो मैं उन सबको पेश कर देता हूँ। तैयार हैं आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए? मैं उस्तादुश शोरा फरहत साबरी साहब को पेश करूं या कारी सोहेल साहब को? फरहत साबरी साहब से गुजारिश है, अब शेर की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद साहिब शेर हैं और दिलबर शाही साहब जो तसव्वुर में छाए रहते हैं अभी वो भी मिंबर शरीफ पर हैं, इसलिए बिला ताखीर आप तशरीफ लाएं। हजरत दिलबर शाही जो हिंदो पाक ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है, इतना सुना चुके कि अब आप बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन ये आज की बज़्म मोहब्बत सैयदी मुर्शिदी हुजूर ताज शरिया अली रहमत रिजवान के नाम से मंसूब है। मैं भी सना खानों में अपना नाम दर्ज कराते हुए दो तीन अशार मनकबत के पेश कर रहा हूं, समाप्त कर लें। मतलब पेश कर रहा हूं नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत महबूब गौहर साहब क़िबला मद्दज़िल आली ने बड़ी मेहनतें की, अल्लाह ताला उनके ताबिश फिक्र को और इजाफा फरमाए। है चेहरा चांद का टुकड़ा, आह क्या बात है, बेशक है चेहरा चांद का टुकड़ा मेरे ताजो शरिया का, है चेहरा चांद का टुकड़ा, है चेहरा चांद का टहलती है अब उनकी रूह जन्नत की, टहलती है अब उनकी रूह, टहलती है अब उनकी रूह जन्नत की बहारों में, महल जन्नत में है आला मेरे ताजो शरिया का, मकान जन्नत में है आला मेरे ताजो शरिया का, चेहरा चांद का टुकड़ा। आप जानते हैं कि जो मेरे पढ़ने का अंदाज है, चाहे वो गुरहारी का जलसा हो या बरेली का उर्से पाक हो, मैं एक ही ढंग से ये शेर नजर कर रहा हूँ, समाज कर लें कि गए जब खाने काबा,
अंदर हजरत अख्तर गए जब खाने काबा ज़बां उर्दू हो यार अरबी के अंग्रेजी हो ऐ फरहात ज़बां उर्दू हो अंग्रेजी ज़बां उर्दू हो यार अरबी के अंग्रेजी हो ऐ फरहात बाया सा था मेरे ताजो शरिया का है चेहरा चांद का टुकड़ा मेरे ताजो शरिया।